الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों और बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल, व्हिच इज आवर टॉपिक द स्ट्रक्चर एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। यानी ये सोप मॉलिक्यूल जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये सोप मॉलिक्यूल जो होता है ये किस तरह किसी चीज को साफ करता है। पहले स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, दिस सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। नंबर वन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन ऑयल सॉल्युबल पार्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन तो यह ऑयल सॉल्युबल या ग्रीस सॉल्युबल दुम यह पार्ट शॉर्ट आयोनिक पार्ट यह आयोनिक पार्ट आयोनिक पार्ट यह वाटर सॉल्युबल यह अमुक स्ट्रक्चर। ए सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड ए शॉर्ट आयोनिक पार्ट COO नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। ये आयोनिक पार्ट इसका होता है और यहां दूसरे साइड में इसको होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन। The long hydrocarbon part is hydrophobic, that is water repellent. यानी ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी उसका मतलब है कि ये पानी के साथ रिपेल करता है। दो चीजें हैं, एक हो गया अट्रैक्ट, दूसरा हो गया रिपल। अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग, इसमें रिपल होता है यानी ये इसके अलहदा हो जाता है। सो द हाइड्रोकार्बन पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, ये पानी में हल नहीं होता है। बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस, लेकिन अगर ये ऑयल में डाला जाए या ग्रीस में तो उसमें ये हल हो जाता है। The ionic portion of the soap molecule is hydrophilic. और ये ionic part जो होता है ये hydrophilic होता है, that means water attracting due to the polar nature of water molecule. यानी ये पानी के साथ पानी को ये attraction करता है, कशिश करता है, क्योंकि इसका water आप जानते ही हैं कि water जो होता है इसका पोलर नेचर होता है, इसकी वजह से ये पानी के साथ मिल जाता है। सो द आयोनिक पोर्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन वाटर, लिहाजा ये आयोनिक पोर्शन जो इसका है ये वाटर में सॉल्युबल होता है एंड इन सॉल्युबल इन फैट और ऑयल। इसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। व्हेन सोप इज डिसॉल्वड इन वाटर इट फॉर्म्स ए कोलाइडल सस्पेंशन इन वाटर इन विच द सोप मॉलिक्यूल्स क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मिसलीज। इन ए सोप मिसली द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेडियली with hydrocarbon ends directed towards the center and ionic ends directed outwards. When a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, then the hydrocarbon ends of soap molecules in the micelle attached to the oil or grease particles present on the ends of dirty cloth. In this way, the soap micelle entraps the oily or greasy particles by using its hydrocarbon ends, while as the ionic ends of the soap molecules
in the micelles remain attached to water. When the dirty cloth is agitated in soap water or soap solution, the oily and greasy particles present on its surface or entrapped by soap micelles get dispersed in water, due to which the soap water becomes dirty, but the cloth gets cleaned. इसके बाद limitations of using soap. अब जो हम soap इस्तेमाल करते हैं कि इसकी इसके क्या limitations है. Number one, the main limitation of soap molecule is that it cannot be used for washing clothes with hard water, because a large amount of soap is washed in reacting with the calcium and magnesium ions of hard water to form an insoluble precipitate called cecum, and thus leads to wastage of soap. The cecum formed by the action of hard water on soap to the clothes being washed and interferes with the cleansing ability and makes the cleansing of the clothes difficult. इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है डिटर्जेंट्स. What are detergents and what are the advantages of detergents over soaps? तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू.